2007 में जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग शुरू की थी ना, तो एक ऐसा सवाल था जो मुझसे रोज पूछा जाता था, और आज भी मैं देखता हूं हजारों लोगों से रोज यही सेम सवाल पूछा जाता है। सवाल क्या है? इस बिजनेस में कोई कामयाब नहीं होता, ये सब काम नहीं चलते। करीब 14 साल से मैं इस बिजनेस में हूं, 9 लाख से ज्यादा लोगों के साथ मैंने काम किया, उन्हें ट्रेनिंग दिया, कोचिंग दिया, एंड आई हैव रियलाइज्ड 5 मेजर रीजंस Why people fail in network marketing? 5 ठोस कारण है जिसकी वजह से लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फेल हो जाते हैं। आप मुझे जानते हैं, मेरे लाइफ मिशन को जानते हैं। आई एम दीपक बजाज, वर्किंग विद वन सिंगल लाइफ मिशन, एंड दैट इज टू हेल्प नेटवर्क मार्केटर्स विन। और इसी सेम कारण की वजह से आई हैव डिसाइडेड टू शूट दिस वीडियो टुडे, ताकि मैं आपकी और आपके टीममेट्स की मदद कर पाऊं। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा 5 की रीजंस व्हाई पीपल फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग। और मैं बात कर रहा हूं लोगों की जो सुपर टैलेंटेड हैं, जिनकी एक्सीलेंट लीडरशिप क्वालिटीज हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स कमाल के हैं, लेकिन उसके बावजूद भी फेल हो जा रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। 5 कारण हैं, और इन कारणों को आपके साथ शेयर क्यों कर रहा हूं? नंबर 1, वेरी सिंपल, ताकि आप इन कारणों से जागरूक हो जाएं, आप अवेयर हो जाएं, आप उन्हें अवॉइड कर सकें और आप कामयाब हो जाएं। बिकॉज आई हैव वन ड्रीम, आई वांट टू सी यू एट द टॉप। और दूसरा, आप अपने टीममेट्स को रोक के रख पाएं, उन्हें रिटेन कर पाएं, उन्हें भी कामयाब बना पाएं। और जब जब आपसे ये सवाल पूछा जाए कि ये काम नहीं चलते, कोई इस बिजनेस में कामयाब नहीं होता, आप उनका जवाब दे पाएं। देखिए, पहली वजह जिसकी वजह से लोग इस बिजनेस में फेल हो जाते हैं, दैट इज अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। लोग इस बिजनेस को शुरू करते हैं अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के साथ। कुछ लोगों को लगता है ये लॉटरी है या फिर एक गेट रिच क्विक स्कीम है, आपने कुछ सामान की शॉपिंग कर ली और अब घर पे पैसे आते चले जाएंगे और आप अमीर हो जाएंगे। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि बस मुझे 2-3 लोगों से बात करनी है, 2-3 लोगों से बात करूंगा, वो तैयार हो जाएंगे, काम चल पड़ेगा। कुछ लोग ये सोच के आए थे ये कोई हॉबी है, जैसे कोई है ना गाना गाना, म्यूजिक वगैरह बजाना, संडे को आप कहीं घूमने चले गए, तो वो लोग हफ्ते में संडे के संडे 1-2 घंटे निकालते हैं और फिर वो बोलते हैं पता नहीं काम क्यों नहीं चल रहा है। और एक और बड़ी चीज़, लोग किसी भी बिजनेस को, छोटी सी दुकान को भी शुरू करते हैं ना, तो इस माइंडसेट से शुरू करते हैं कि 1-2 साल लग जाएंगे इस दुकान को, इस बिजनेस को जमाने के लिए। हमारे बिजनेस में 3 मीटिंग करवाते हैं, 3.5 मीटिंग करवाते हैं, 2 दिन बिजनेस में आए हुए नहीं होते हैं और बोलते हैं ये बिजनेस नहीं चलते हैं। आम बिजनेस को लोग 2 साल देने को तैयार हैं, इस बिजनेस को ढंग से 2 दिन भी देने को तैयार नहीं है। एंड ऑल दिस इज हैपनिंग बिकॉज दे स्टार्ट दिस बिजनेस विद अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। कुछ और ही उम्मीदें करके वो इस बिजनेस में आते हैं जो हकीकत से बहुत परे है। रीजन नंबर 2, व्हाई पीपल फेल इन दिस बिजनेस इज 0 एंट्री कॉस्ट। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की सबसे बड़ी अच्छाई, सबसे बड़ी विशेषता, सबसे बड़ी खूबी इस बिजनेस की सबसे बड़ी दुश्मन है, और वो पता क्या है? इस बिजनेस में आने के लिए पैसे नहीं चाहिए होते। आप कुछ एक प्रोडक्ट्स की शॉपिंग करेंगे और ये बिजनेस शुरू हो जाता है। अधिकांश कंपनीज में ये शॉपिंग भी उन प्रोडक्ट्स की होती है जो अदरवाइज आप मार्केट से भी खरीदते हैं, और बहुत कम रुपयों में आपने कुछ एक सामान खरीदा, आप बन गए कस्टमर, आपको सामान अच्छा लगा, आप बन गए डिस्ट्रीब्यूटर, और अब आपने इस बिजनेस को बिल्ड करना शुरू कर दिया। शॉपिंग करने से कोई बिजनेस ओनर नहीं बनता, दैट इज माई वेरी सीरियस पॉइंट। और इस बिजनेस में जो लोग आते हैं और जो ये बोलते हैं ना जी हम फेल हो गए, 100 में से 99 लोग जो फेल हो गए ना, वो लोग बिजनेस ओनर और डिस्ट्रीब्यूटर बन ही नहीं पाए थे, कस्टमर बने थे, शॉपिंग की थी और शॉपिंग पे ही रह गए थे। 0 इन्वेस्टमेंट, दैट्स वाई पीपल हैव 0 कमिटमेंट, क्योंकि कुछ लगा नहीं है ना, इसीलिए ये फील ही नहीं होता कि बिजनेस भी किया है। नंबर 3, लैक ऑफ फोकस। देखिए, इस बिजनेस को ऑलमोस्ट एवरीबडी दे स्टार्ट पार्ट टाइम, ऑलमोस्ट एवरीबडी स्टार्ट दिस बिजनेस पार्ट टाइम, तो उनकी जिंदगी कैसे चलती है? सबसे जरूरी तो काम है, जो भी उनका प्रोफेशन है, उनकी जॉब है, उनकी दुकान है, उनका बिजनेस है। सो नंबर 1 प्रायोरिटी, नंबर 2 प्रायोरिटी फैमिली, नंबर 3 प्रायोरिटी पर्सनल लाइफ, नंबर 4 प्रायोरिटी सोशल लाइफ, बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग, दिस इज 5, 6, 7, 8, 9, 10 प्रायोरिटी। अगर आप जिंदगी में किसी चीज को प्रायोरिटी नंबर 4 पे रखेंगे, 5 पे रखेंगे, 8 पे रखेंगे, हाउ कैन इट फ्लरिश? आपने एक पौधा लगाया और आप चाहते हैं कि ये पौधा इतना शानदार, इतना बेमिसाल, इतना बड़ा हो जाए कि मेरे बाद मेरे बच्चे और उनके बच्चे और उनके पोते भी इस पौधे की छांव में फलों का आनंद लें, तो उस पौधे को पानी तो देना पड़ेगा, खाद तो देना पड़ेगा, सींचना तो पड़ेगा। यू नीड टू नर्चर दैट प्लांट। हाउ कैन यू नर्चर इट इफ दैट प्लांट इज प्रायोरिटी नंबर 7, प्रायोरिटी नंबर 8? अधिकांश लोग ना जिंदगी में पता क्यों काम करते हैं? बिकॉज एक बॉस होता है,
या फिर उन्होंने अपनी दुकान में अपने बिजनेस में करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट करके रखी हुई है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए कोई लागत नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन आप कतई इसका यह मतलब नहीं निकाल सकते कि इस बिजनेस के लिए कमिटमेंट नहीं चाहिए, डिसिप्लिन नहीं चाहिए, डेली हार्ड वर्किंग नहीं चाहिए, फोकस नहीं चाहिए, वर्क एथिक नहीं चाहिए, प्रोफेशनलिज्म नहीं चाहिए। ये सारी चीजें जो किसी और जॉब में, बिजनेस में, प्रोफेशन में और एंटरप्रेन्योरशिप वेंचर में चाहिए, वो सब की सब यहां भी चाहिए। यहां सिर्फ एक चीज खास है, दैट इज दिस बिजनेस डजंट नीड इनिशियल इन्वेस्टमेंट। सो लैक ऑफ फोकस इज रीजन नंबर 3 व्हाई पीपल फेल इन दिस बिजनेस। रीजन नंबर 4, जीरो एग्जिट कॉस्ट। अब ये बिजनेस की सबसे बड़ी खूबी है ये, और यही इस बिजनेस के लिए सबसे बड़ी मुसीबत का कारण भी बना हुआ है। क्या? जीरो एग्जिट कॉस्ट। एग्जिट बोले तो छोड़ने में कुछ लग ही नहीं रहा, छोड़ने में कुछ लग ही नहीं रहा आपका। आपके पास स्टाफ नहीं है, वर्किंग कैपिटल नहीं है, स्टॉक नहीं है, ऑफिस नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, मशीन नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई मार्केट से रिसीवेबल नहीं है, बैंक की लिमिट नहीं है, कुछ भी नहीं है आपके पास। आप किसी आम दुकानदार से बात करके देखिए और उसे बोलिए आप अपनी दुकान बंद कर दीजिए, कर नहीं सकता है, इम्पॉसिबल है। क्योंकि जो ये सब मैंने गिनाया ना आपको, स्टाफ, वर्किंग कैपिटल, ऑफिस, मशीनरी, इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केट से रिसीवेबल है, बैंक की लिमिट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, लाइक यू नो पीपल आर स्टक, पीपल आर बैडली स्टक, दे कैन नॉट एग्जिट। तो इसीलिए बिजनेस अगर लॉस में भी जाता है तो लोग कई कई साल तक खींचते चले जाते हैं, बिकॉज दे डोंट हैव अ चॉइस। हमारे बिजनेस में एग्जिट करना कितना आसान है। आप प्रोग्राम में नहीं जाइए अगले इवेंट में तो आप समझ लीजिए एग्जिट हो गया। उससे भी आसान, आपके जो अपलायंस और सीनियर्स आपको फोन करते हैं उस फोन को आप रिसीव मत करिए, एग्जिट हो गया, सिंपल। सो जीरो एग्जिट कॉस्ट इज फोर्थ बिगेस्ट रीजन व्हाई पीपल फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग। और पांचवा और आखिरी, पीपल आर नॉट विलिंग टू चेंज एंड लर्न। लोग बदलने के लिए तैयार नहीं है, सीखने के लिए तैयार नहीं है। बहुत बड़ी वजह है ये। ओके, देखिए लोगों के साथ हो क्या रहा है, लोग ना अपनी जिंदगी में लाखों रुपए, करोड़ों रुपए और कई साल इन्वेस्ट करते हैं किसके लिए, डॉक्टर बनने के लिए, लॉयर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, सीए बनने के लिए। अब वो बन गए तो जब वो इस बिजनेस में आते हैं तो जिस चीज पे उन्होंने अपनी जिंदगी के 8 साल 10 साल लगाए हैं, जिसके लिए उन्होंने लाखों रुपए खर्च किए हैं अपने और अपने पेरेंट्स के, उसको छोड़ कैसे दें। तो वो जो आते तो नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में है, बनना वो नेटवर्क मार्केटर चाहते हैं, लेकिन वो ये सीए, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, ये सबको छोड़ नहीं पाते हैं। दे आर नॉट रेडी टू चेंज। माई डियर फ्रेंड्स, आई वॉज एन MBA, आई वॉज इन टू एन ऑटोमोबाइल मल्टी नेशनल कंपनी सेलिंग मोटरसाइकिल्स। अब ये बिजनेस मेरे सामने आया जून 2007 में। मैंने इस बिजनेस को करना शुरू किया और मैंने कुछ दिनों में इस बात का एहसास कर लिया, अगर इस नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में कामयाब होना है तो फिर MBA, रीजनल मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, सेल्स एंड मार्केटिंग ऑफ मोटरसाइकिल्स उस तरीके से नहीं करना पड़ेगा, इसको नेटवर्क मार्केटर बन के करना पड़ेगा। आई फॉलोड द प्रिंसिपल्स ऑफ दिस बिजनेस, सिस्टम ऑफ दिस बिजनेस। परिणाम क्या हुआ, पहले महीने 2007 में आई मेड सम 2 लाख रुपीज ऑफ मंथली इनकम पार्ट टाइम विद माई जॉब। 3 महीने बिजनेस को जॉब के साथ किया, एंड देन आई रिजाइंड विद इन 3 months, आई रिजाइंड माई हाई पेइंग हाईली प्रेस्टिजियस जॉब। वाई? आई फोकस्ड ऑन द बिजनेस एंड आई फॉलोड द सिस्टम, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं बदलने के लिए तैयार था, सीखने के लिए तैयार था। एक और चीज मैं आपको बताता हूं, बहुत सारे लोग सीखने को तैयार हैं लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की अधिकांश कंपनीज में अच्छी ट्रेनिंग है ही नहीं। एक ही ट्रेनर है कौन, अपलाइन, और एक ही ट्रेनिंग है क्या, मोटिवेशन। मैं कर सकता हूं तुम भी कर सकते हो, मैं कर सकता हूं तुम भी कर सकते हो, लगे रहो लगे रहो लगे रहो लगे रहो, जो लगा रहेगा वो जीत जाएगा, बस लगे रहो, मुझे देखो, उसको देखो, उसको देखो, उसको देखो, उसको देखो। 10-1 ऐसे लोग होते हैं हर कंपनी में जिनको दिखा दिया जाता है और उसके बाद बोला जाता है कि अब इनको देखते रहो और आगे बढ़ते रहो, इन्होंने करा तो तुम भी कर सकते हो। बस माइंडसेट चाहिए कामयाबी के लिए, पर्सनैलिटी चाहिए कामयाबी के लिए, इमोशनल मास्टरी चाहिए, स्किल सेट चाहिए, टूल सेट चाहिए। दिस इज व्हाट यू नीड टू बिकम सक्सेसफुल, नॉट ओनली इन आवर बिजनेस, एनी अदर बिजनेस। और अगर आप में से किसी को लगता है आपको प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग में, तो आप शुरू करने से पहले फेल हो गए हैं, क्योंकि सीखेंगे आप उस चीज को जिसमें आपको भविष्य नजर आता है। अगर आपको जेन्युइनली इस बिजनेस में भविष्य नजर आता है, करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, लाखों रुपए की पैसिव इनकम हर महीने आ सकती है, अगर आपको ये नजर आता है, देन आप सीखने से नहीं कतराएंगे, 10-20-50 हज़ार रुपए अपने ऊपर इन्वेस्ट करने से नहीं कतराएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग में ट्रेजेडी क्या है, पीपल, खासतौर पर लीडर्स, वो प्रोग्राम से रिजल्ट में इंटरेस्टेड नहीं है, प्रोग्राम करने में इंटरेस्टेड है। कितने लोग आए, कितने लोग आए, कितने लोग आए, कितने लोग आए, कितने लोग आए,
और उसको ना एक लक के सहारे बस छोड़ देते हैं और रिजल्ट्स की कोई बात नहीं करता है, सिर्फ नंबर ऑफ पीपल की बात करते हैं, नंबर ऑफ प्रोग्राम्स की बात करते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग के फुल टाइम लीडर्स अगर प्रोग्राम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, इसीलिए वो प्रोग्राम करते चले जाते हैं। 1000 में से 1 मिलेगा जी, ये माइंडसेट, ये एटीट्यूड के साथ बिजनेस को करते हैं और चांस लेके बैठे हैं। चल गया तो बढ़िया, चल गया तो बस लोगों को लाते रहो, पता नहीं कोई ना कोई तो चल ही जाएगा। Is it training? Is it business? Is it mindset? Is it skill set? Is it quality? Is it called entrepreneurship? No, my dear friend. मैं सिर्फ मेरे अपलाइन से सीखूंगा। हमारे यहाँ पे तो ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते ही रहते हैं, हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम फ्री होते हैं, हमें तो फ्री में ही सीखने की आदत पड़ी है। मेरे पास में तो पैसे नहीं है खुद की ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। यू नो ऑल दीज एक्सक्यूजेस दे डू टू डैमेज टू पीपल। नंबर वन, सालों तक स्ट्रगल करते रहते हैं, समय बर्बाद होता है। और नंबर दो, लाखों करोड़ों कमा सकते थे, हजारों के अंदर रोज स्ट्रगल करे जा रहे हैं, 10-10 साल से लगे हमें। माय डियर फ्रेंड्स, इंडस्ट्री इज चेंजिंग, वर्ल्ड इज चेंजिंग, लोगों की हैबिट्स बदल रही हैं। कोरोना ने तो क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिया, जो पिछले 10 सालों में नहीं हुआ वो अब आकर पिछले 10 महीनों में हो गया है। आप 2021 में एक बड़ा बिजनेस बिल्ड नहीं कर सकते जो आपने 2010 में, 2012 में, 2015 में स्ट्रैटेजी सीखी है। आप सोशल मीडिया भी चाहिए आपको, आपको ऑनलाइन टूल्स भी चाहिए, टेक्नोलॉजीज भी चाहिए। सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, हर वो बिजनेस जो नहीं बदला और जिसने अपने बिजनेस को समय के साथ परिवर्तित नहीं किया वो आउट है। तो राइट ट्रेनिंग दैट बिल्ड्स योर एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट, स्किलसेट एंड टूलसेट, दैट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। तो पांचवीं वजह जिसकी वजह से लोग इस बिजनेस में नाकामयाब हो रहे हैं, दैट इज नॉट विलिंग टू चेंज, नॉट विलिंग टू लर्न। तो पिछले कुछ मिनटों में मैंने शेयर की ये 5 बड़ी वजह जिसके लिए लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में फेल हो जा रहे हैं। आप इन 5ों का ध्यान रखिए, आप इनके शिकार नहीं होने चाहिए। और कभी भी आपको ऐसा कोई सवाल मिल जाए कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फेल हो जाते हैं, ये बिजनेस नहीं चलते हैं, तो मैंने आपको कारण बता दिए, जवाब बता दिए, अपनी टीम को रिटेन करके रखिए। यू नो एंड आई हैव वन ड्रीम फॉर यू, आई वांट टू सी यू एट द टॉप। आपने दुनिया के सबसे शानदार प्रोफेशंस में से एक प्रोफेशन चुना है, दैट इज प्रोफेशन ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग। ठीक से सीखिए, ठीक से करिए, कमिटमेंट के साथ करिए और इस बिजनेस को फोकस के साथ करिए एंड यू विल डू मैजिक। माई डिफरेंस, आई वॉन्ट टू सी यू एट द टॉप। आइए मिलकर कमाल करें, उस दुनिया को बेहतर बनाए। कीप शाइनिंग, लव यू गाइस।